जय हिंद दोस्तों। अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, आज बात करूंगा अपडेट के ऊपर। आपके मोबाइल फ़ोन में कभी भी कंपनी अपडेट करती है तो आपको वो कब करना है और कैसे करना है, देखिए कुछ मैं तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले कमेंट पे कुछ ध्यान देते हैं। कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने किए जिनमें से मैंने कुछ को लिया है। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आरोन भाई हैं, इन्होंने 179 रुपीज़ का सुपर थैंक्स दिया है। बहुत सारे लोग करते रहते हैं, सॉरी मैं ज़्यादातर नाम नहीं ले पाता। अब देखिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा, किसी भाई ने मुझसे कुछ पूछा है, ऊपर की दो कमेंट छोड़ देना, उसके बाद नीचे तीसरी है प्रिंस मौर्य नाम करके, ये पूछते हैं सर मेरा IQ Z5 को मैं सर्विस सेंटर ले गया था, तब वो बोल रहे थे कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है क्या? अपडेट करने के बाद फ़ोन मेरा डेड जैसे बिहेव कर रहा है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा फास्ट बूट रिबूट करने पर भी। तो देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, अब भी बताया था, 5 पॉइंट ऐसे बताता हूँ जिनको आप ध्यान में रख लेना, उसके बाद ही आप अपडेट करना अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात आपको ये बताता हूँ, कभी भी आपको कोई भी कंपनी, आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल हो भाई, उससे टेंशन मत लेना। किसी एक पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के बारे में आज बात नहीं कर रहा, मैं सारी कंपनियों के बारे में बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि मेक श्योर आप अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा सेव कर चुके हों कहीं पे भी। आप अपने या तो लैपटॉप पे सेव कर लीजिए, नहीं तो आप OTG केबल लगा के उसमें पेन ड्राइव के अंदर सारा अपना डाटा ले लीजिए, उसके बाद ही अपडेट करना, ठीक है? दूसरी बात आपको ये बताता हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी कम से कम 50% चार्ज होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद ही अपडेट करना। और तीसरी बात ये बता देता हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा से कभी भी अपडेट मत करना। वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, जो लीगल वाईफाई हो, ठीक है, उससे कनेक्ट करना, उसके बाद उसे अपडेट करना। तीसरी चीज़ हो गई, ये कुछ बातें हैं दोस्तों बता रहा हूँ, वरना आपका मोबाइल इसी तरीके से डेड हो सकता है जैसे इन भाई का हो गया। ये बहुत सारी कमेंट मुझे आती हैं तो मैंने सोचा इसके बारे में एक मैं आपको प्रूफ वाली वीडियो बता ही दूँ। अब देखिए अब चौथी बात आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका फ़ोन कभी भी बारिश में भीगा है या फिर पानी में गिरा है और उसके बाद आप उसे अपडेट करते हैं तो डेड होने का रिस्क बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। आपका फ़ोन कभी भी अगर मॉइस्चर से भी गुजरा है तो आप अगर अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अपडेट होते हैं भाई, जो कंपनी वाले जो अपडेट देते हैं ना, इसमें आपकी सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप चेक होती रहती हैं, उसके वर्जन के हिसाब से अपडेट मिलते हैं, ठीक है? जैसे कैमरे का वर्जन क्या है उसके हिसाब से अपडेट मिलेगा। अब कैमरा अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा कैमरे के अंदर तो कैमरा काम करना बंद कर देगा आपका, फ्रंट का हो चाहे बैक का। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि हम मोबाइल रिपेयर वाले भाई, हमें इन चीज़ों का पता रहता है, ठीक है? पांचवी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम, गारंटी की। देखिए अगर आपका मोबाइल फ़ोन 1 साल की अंडर वारंटी में है तो आपको क्या करना है, आप उसे अपडेट कर सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं, वो आपका फ़ोन ठीक करके देंगे। और अगर आपका फ़ोन 1 साल के बाद, मतलब 1 साल वारंटी पार कर चुका है, उसके बाद उसे आप अपडेट करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्विस सेंटर वाले भाई साहब बस ये कहेंगे आपको, अरे तू जा रही, और आपका फ़ोन ठीक करके नहीं देंगे, आपको वो हार्डवेयर प्रॉब्लम बताकर आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गई कुछ जनरल नॉलेज। आपको एक हार्ड नॉलेज देता हूँ मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, आपको एक अच्छी सीख दे सकता हूँ। देखिए कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कंपनी का अपडेट आता है ना, किसी भी मोबाइल फ़ोन में, तो आप एक दूसरा फ़ोन ले लीजिए उस फ़ोन को अपडेट करने से पहले। ध्यान से सुनना दोस्तों, उसे अपडेट करने से पहले एक दूसरा फ़ोन ले लीजिए, अपने भाई का या बहन का, किसी का भी फ़ोन ले लीजिए एक फ़ोन, उससे आप उसकी वीडियो बनाइएगा। वीडियो बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए वीडियो फेक भी बन सकती हैं, है ना, मगर सही तरीका क्या होता है, आप वीडियो में ही *#06# ये डालकर IMEI नंबर शो कराइए कि देखिए मैं इस मॉडल को, इस फ़ोन को अपडेट कर रहा हूँ और ये IMEI नंबर, क्योंकि IMEI नंबर चेंज नहीं कर सकता भाई कोई भी आजकल, तो उसको आप IMEI नंबर को शो कराइए, उसके बाद वीडियो चालू करिए उसकी कि अब मैं इसे अपडेट करने जा रहा हूँ, ये अपडेट आ रखा मार इसका कंपनी का, ठीक है? तो आप उसे अपडेट करेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर अपडेट हो जाए। अपडेट करने का तरीका मैंने बता दिया, वाईफाई से कनेक्ट कर लेना याद करके। देखिए क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपने मोबाइल के डाटा से करना शुरू कर दिया अपडेट और भाई साहब बीच में अपडेट रुक गया, तो बीच में अपडेट रुकना नहीं चाहिए। अगर अपडेट बीच में रुक जाता है तो कुछ फाइलें रह जाती हैं जिनकी वजह से मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट होगा और उसके बाद फिर वो रीस्टार्ट ही होता रहेगा, फिर वो पूरा ऑन नहीं होगा।
आपका डाटा भी जाएगा और आपका नुकसान भी हो जाएगा, और मैं ऐसा चाहता नहीं। अच्छा, और आपको 50% बैटरी चार्ज करके रखनी चाहिए भाई, अगर उससे नीचे रखोगे ना तो आपकी फाइलें रुक सकती हैं, आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सेट डेड हो जाता है 50% से नीचे जब बैटरी चार्ज होती है तो, ठीक है। और छठा सॉल्यूशन मैंने आपको ये दिया है कि आप कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट करें तो उसकी वीडियो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले प्रूफ मांगते हैं, बिना प्रूफ के वो नहीं करेंगे। जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना, मैंने अभी आपको जो कमेंट पढ़ाई है पीछे करके देख लेना, ये भाई बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है और इस भाई ने अपडेट किया है, तो बताओ। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर वाले को दूध के धुले हैं कि वो कोई धर्मशाला खोल रखी उनने, नहीं भाई, उनके यहाँ जो AC चल रहे होते हैं ना 10-10, उनका खर्चा भी वो आपसे ही लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो अगर उसे देसी भाषा में मैं कहना चाहूँ ना, तो मान लो ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, जैसे और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाले होते हैं, जैसे उनके भी मुंह खून लगा होता है, ठीक है। ये देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन पर कभी भी भरोसा मत करना। मैं बहुत बार कस्टमर को भेजता हूँ, भाई साहब ऐसा ऐसा बेवकूफ़ बनाकर वापस भेजते हैं कस्टमर को, कि दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये भी ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आपके साथ प्रॉब्लम आई हो सर्विस सेंटर से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आगे तक पहुँचाने की, ताकि इन लोगों को थोड़ी बहुत अकल आए और ये आपके काम में रुकावट ना बने। और मैं आगे जाके ऐसे सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको कि आप सर्विस सेंटर में अगर आपके साथ कोई लफड़ा हो जाता है तो उससे आपको कैसे निकलना है। ये सारे पॉइंट हमें मोबाइल रिपेयर वालों को पता होता है, हर कोई बंदा खुल के नहीं बताता, मगर मैं आपको खुल के बताया करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में बेल आइकन है उसको भी टिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आपके सामने फौरन आ जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।